नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। एक और FDA अप्रूवल मिल चुका है और इस स्टॉक के बारे में दोस्तों मैंने 2-3 दिन पहले ही बात की थी और उससे मैंने डायरेक्टली एलेम्बिक फार्मा में बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि क्यों लगातार USFDA अप्रूवल मिलने के बावजूद ये स्टॉक नहीं भाग रहा है और आज 2-3 दिन बाद आज वापस से उसे एक और USFDA अप्रूवल मिल चुका है। और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि ये स्टॉक आप कह सकते हैं भी कि एक फाउंडेशन, एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इस स्टॉक को पिछले 3-4 महीनों में ज़बरदस्त USFDA अप्रूवल लगातार मिल रहे हैं दोस्तों, उसके बावजूद ये स्टॉक उतना नहीं भागा जितना इसे भागना चाहिए था। आज एक थोड़ी तेज़ी, काफ़ी तेज़ी दिखाया था लेकिन उसके बाद बाजार में जो बहुत ज़्यादा वीकनेस आई, ये स्टॉक थोड़ा निचले स्तरों पर जा करके बंद हुआ, लेकिन हाँ 1.5% ऊपर ही बंद हुआ है दोस्तों। चर्चा करेंगे और एक बहुत ही अच्छे एनालिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा शानदार बात कही है एलेम्बिक फार्मा के ऊपर, वो भी आपके साथ चर्चा करूँगा मैं। देखिए वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव वीडियो होने वाली है, खास करके लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए। दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशकों को तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए, फोकस करना चाहिए, वीडियो को अंत तक देखना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है यह स्टॉक अब थोड़े समय में एक बड़ी रैली की ओर जा सकता है। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किए हैं, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहे। अब सीधा लेके चलूंगा मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। तो देखिए 1.59% यानी 1.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। एक समय में शेयर स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा आप कह लीजिए एक तेज़ी दिखाई थी लेकिन फिर बाजार उसके बाद इतना वीक हो गया कि इसने थोड़े निचले स्तरों पर क्लोजिंग दी है, ठीक है। और आप देखिए स्टॉक आज खुलते ही काफ़ी तेज़ी दिखाना शुरू किया और एक समय में तो दोस्तों देखिए ये लगभग 2.5-3% के आसपास भाग गया था लेकिन वहाँ से फिर लगभग 3 बजे के बाद एक बड़ी गिरावट, लगभग 0.25% गिरावट इसमें दिखी गई। और ये अभी की तेज़ी नहीं दोस्तों, मैंने भी अब पिछला वीडियो बनाया था, मैंने कहा था 700 के आसपास, 730 के आसपास ये स्टॉक एक बहुत अच्छी बाइंग देता है। और आप देखिए पिछले एक साल का वीडियो आप देखें चार्ट, आप बस ये पूरा ये जो इसका कंसोलिडेशन फेज रहा है आप इसे देखिए। इस स्टॉक ने लगातार जो बीच बीच में स्पाइक देख रहे हैं ना दोस्तों, ये और फिर ये अभी ये है जब जब इसे USFDA के अप्रूवल्स मिले हैं, उसके बाद बाद एक बीच बीच में बाउंस आया लेकिन वो उस बाउंस को एक बड़ी रैली में कन्वर्ट नहीं कर पाया, ये आप कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसने नीचे बेस काफ़ी अच्छा बना रखा है, कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है देखिए, ये है 735 के आसपास, फिर ये गया फिर नीचे आया 744, फिर ये नीचे आया ये 735, फिर ऊपर जाके फिर नीचे 748, फिर ये नीचे बहुत तेज़ी से गिरा। ये एक था दोस्तों जो 693 देख रहे हैं, ये तब का है जब ये 693 है जब बाजार में एक ऊपरी स्तरों से लगभग निफ्टी ने 15% के आसपास की कह लीजिए गिरावट दिखाई थी, प्लस एडलवाइस जो एक कह लीजिए फर्म है, ब्रोकरेज फर्म है, उसने इसको सेल का टारगेट देते हुए 680 का टारगेट दिया था। उसके बाद ये स्टॉक ने लगभग 690 के आसपास गिरावट दिखाई और उसके बाद देखिए एक अच्छी खासी रैली दिखाई, ठीक है। और लगातार इसे USFDA के अप्रूवल्स मिल रहे हैं, आप देखिए बीच में इसने एक एक्विजिशन भी किया था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये 700 के आसपास मिलता है वापस से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये स्टॉक होगा। और अगर ऑलरेडी 710, 720, 730 के आसपास है, प्लीज़ लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में बने रहिएगा। अब बात करूँगा आज कौन सा इसे अप्रूवल मिला है, आप देखें इधर एलेम्बिक फार्मा गेट्स टेंटिव USFDA नोट फॉर जेनरिक वर्जन ऑफ डेबिगेट्रिन ई टेक्सिलेट कैप्सूल्स, ठीक है। ये USFDA को अभी USFDA से इस कंपनी को टेंटेटिव अप्रूवल मिला है। देखिए दो अप्रूवल होते हैं, एक टेंटेटिव फिर फाइनल, टेंटेटिव अप्रूवल ये मिले हुए हैं। देखिए एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऑन थर्सडे सेड इट हैज रिसीव्ड टेंटेटिव अप्रूवल फ्रॉम द US हेल्थ रेगुलेटर फॉर इट्स जेनरिक वर्जन ऑफ डेबिगेट्रिन ई टेक्सिलेट कैप्सूल्स इंडिकेटेड फॉर रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड क्लॉट, ठीक है। जो स्ट्रोक होता है, हार्ट स्ट्रोक में आता है, उसको बचाने के लिए, ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए ये मेडिसिन काम आती है, तो इसका एलेम्बिक फार्मा को एक टेंटिव अप्रूवल मिल चुका है। नाउ द टेंटिव अप्रूवल बाय द USFDA इज फॉर द एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है, इतने इतने रेंज में ही आएगी। और आप देखिए ये जो अप्रूवल है ना इसका, इस कंपनी का जो मार्केट शेयर रहेगा 550 मिलियन US डॉलर का है दोस्तों, ठीक है।
एक साल में, यानी एक साल में इसका इतना बड़ा कह लीजिए आप इनका मार्केट होगा। और इस कंपनी को आज इसी चीज़ का अप्रूवल मिला है और बाजार में एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैली आपको देखने मिली है। ठीक, आगे अगर मैं बढ़ूँ, आप इधर देखें तो अभी अभी कुछ समय पहले की बात दोस्तों, देखिए 29 मार्च की बात है कि एलेम्बिक फार्मा बाय आउट पार्टनर स्टेक इन एलोर डर्मास्यूटिकल्स, एलोर डर्मास्यूटिकल्स की 40% स्टेक दोस्तों, देखिए 40% इन एलोर फार्मास्यूटिकल फ्रॉम इट्स जेवी पार्टनर ऑर्बिक्यूलर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज। ऑर्बिक्यूलर फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजीज जो इसकी ज्वाइंट वेंचर पार्टनर थी उससे 40% स्टेक खरीद लिया है और अब ओलिनोर जो है एलिनोर डर्मास्यूटिकल्स कंपनी को खरीद लिया है दोस्तों। ठीक है, यानी समझिए लगातार एक्विजिशंस हो रहे हैं, लगातार खरीदारी चल रही है, लगातार अप्रूवल्स मिल रहे हैं। और इन सब में आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, आगे आप देखिए तो आप पाएंगे दे आर इन अ गुड स्पॉट। ये बात कर रहे हैं एलेम्बिक फार्मा की और पूरा ठीक से देखिएगा, दे आर इन अ गुड स्पॉट एंड वैल्यूएशन वाइज दी स्टॉक हैव नॉट गॉन आउट ऑफ द बुक। यानी कि वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्पॉट में है और जो स्टॉक्स हैं ये बहुत तेजी से भागे नहीं है दोस्तों। ठीक है, किस चीज की बात हो रही है, द अदर अपॉर्चुनिटी इज इन द कंपनीज विच हैव इंटरेस्टेड इन द लास्ट 3-4 years ऑन देयर कैपेसिटी बिल्डिंग। वी आर वेटिंग फॉर USFDA अप्रूवल फॉर न्यू कैपेसिटी टू कम ऑन स्ट्रीम। ठीक है, एलेम्बिक फार्मा फिट्स इन टू दैट। इन द लास्ट 4 years दे हैव इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 1800 करोड़। पिछले 4 सालों में एलेम्बिक फार्मा ने 1800 करोड़ रुपए निवेश किए थे दोस्तों इन बिल्डिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज। सम ऑफ देम हैव ऑलरेडी गॉट अप्रूवल्स एंड सम प्लेसेस आर स्टिल वेटिंग फॉर द फैसिलिटी गेट अप्रूव। इसमें से बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, इनको अप्रूवल मिल चुका है, वहाँ कह लीजिए प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, कुछ को मिलना बाकी है जो आने वाले समय में हो जाएगा। और इसका फायदा आपको आने वाले 2-3 सालों में क्यों होगा, आप देखिए द नेक्स्ट 2-3 years when those capacity will come on stream and start commercialization, यानी 2-4 सालों जब चीजें शुरू हो जाएंगी और कमर्शलाइज हो जाएंगी, the number can jump to almost double from what it was in financial 22। जो financial 22 थे वहां से लगभग डबल हो जाएंगे इनके नंबर financial 24 में। As per estimate the profit can double, प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा एंड दिस इज नॉट इन द स्टॉक प्राइस एज ऑफ नाउ। और अच्छी चीज़ ये है कि ये अभी तक स्टॉक प्राइस में आया नहीं है, यानी स्टॉक प्राइस आने वाले समय तेजी दिखा सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए अगर ले रहे हैं, फार्मास्यूटिकल अगर नहीं खरीदना है, एटलीस्ट आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी पर्सनल होल्डिंग है और 700-690 के आसपास एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सपोर्ट एलेम्बिक फार्मा का है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।